फेमिनिस्ट गेमिंग चैनल में आप सबका स्वागत है भाई लोग। और यहाँ पे जी सीसन 8 के डे 10 का पहला मैच, जो कि पहला और आखिरी ही मैच है, क्योंकि बहुत सारी टीम नेट फेंकने की वजह से हो गई है डिस्क्वालीफाई, तो वो तो जल्दी भाई अब आएंगे नहीं। अब मेरे को जहाँ लगता है कल भी एक ही मैच होगा और उसके बाद जो होगा भाई सेमीफाइनल्स के लिए होगी फाइट। यहाँ SCIU से बढ़ रहे मैच है टीम गैंगस्टर वर्सेज अकात्सुकी, और यहाँ जोकर को तगड़ा डैमेज लगा, वो भाई गजब का वन टैप, यहाँ पे एक वन टैप हमें देखने को मिला। और यहाँ जी कुणाल को किया ख़त्म पीछे से, लेकिन बंदा गया है यहाँ पर पावर रेंजर को भाई, लेकिन कर दिया गया है ख़त्म। वैसे पावर रेंजर पीछे से आए तो थे, लेकिन सामने दो दो बंदे थे और दो दो बंदे के से टक्कर नहीं ले पाए यहाँ पर। और यहाँ मैच हो गई है 2v4 की। यहाँ पर टीम गैंगस्टर जो है थोड़ा मुसीबत में नज़र आ रही है, वो क्या उस बंदे का नेटवर्क ग्लिच और उसे आसानी से मार गिरा। यहाँ SCIU उसको कर दिया है ख़त्म Black777 ने। TMG लीडर की बात करें तब ये इकलौता बंदे बाकी नहीं, इकलौता तो नहीं है, 2v3 का मैच। Black777 का वैसे हालत ख़राब है, लेकिन क्या ही गजब का यहाँ पे हेडशॉट हमें देखने को मिला और यहाँ जाके डूमर हो चुके हैं नॉक। अब यहाँ पे हो गई है 1v2 का मैच और एक बंदा शायद नॉक नहीं, हेडशॉट कनेक्ट हुआ नहीं, नहीं तो वो बंदा भी हो जाता नॉक। यहाँ मैच हो गई है 1v2 का, वैसे दोनों तरफ से डैमेज पड़ रही है। अब इन बंदों के पास अगर वॉल होगा तो, और एक बंदे ओ भाई हेडशॉट कनेक्ट तो हुआ, लेकिन यहाँ जोकर भाई साहब का अलग ही जलवा था। और यहाँ पहला राउंड जीतने में कामयाब रही है टीम अकात्सुकी। भाई लोग जो भी चैनल पर नहीं हो फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और यहाँ जोकर का हो चुका है 3 किल, SCIU तो है भाई 0 किल पर, इनका शायद नेटवर्क ग्लिच चल रहा था, कस्टम में लेट पहुँचे भी और लग रहा था कि शायद पहुंचे ही ना, लेकिन बार बार अपने टीम को भाई बचा लिया आकर, नहीं तो 3v4 का मैच यहां पे हुआ हमें देखने को मिलता, जिसमें बिल्कुल मज़ा भी नहीं आता और साथ में भाई अकात्सुकी की टीम पूरा कमज़ोर भी पड़ती। और यहां जोकर की बात करें तो भाई जोकर यहां पे M10 लेकर भाई बंदा बैठा हुआ है, और यहाँ Mac10 दे दिया है टाइसन को, टाइसन के पास हो चुकी Mac10। SCIU तो भाई M1A7 लेके बैठी हैं और जाके ढूब भाई साहब यहाँ से ऊपर से कर देंगे कवर, तो चलो ये बढ़िया। अब बंदा उधर से आए कहाँ, और यहाँ SG कुणाल की बात करें तो SG कुणाल पावर रेंजर यहाँ लेफ्ट साइड संभाल रहे हैं, TMG लीडर जो है भाई राइट साइड की तरफ बढ़ रहे हैं बिल्कुल। और यहाँ पे मतलब राइट साइड का एरिया जो वो लोग पूरा कैप्चर किया और लेफ्ट साइड का एरिया ये लोग कैप्चर किया, और यहाँ पे गजब यहाँ पे स्प्रे चल रहा है, लेकिन बंदे को नॉक करने में कामयाब नहीं पावर रेंजर। अच्छा एक बंदे को तो कर दिया है ख़त्म, पावर रेंजर का डैमेज तो है लेकिन भाई एक बंदे को ख़त्म करने में कामयाब, तो मैच हो गई ये 3v4 का। अब देखते हैं क्या होता है, कुछ जलवा हमें देखने को मिलता है फिर नहीं। बंदा जो है एक तो घर में आ गया भाई, पीछे से भी आ सकता है तो ये भी ध्यान देना है हमें। और अगर यहाँ पे बिल्कुल वहाँ एक बंदा है तो यहाँ से कवर में जाना बढ़िया होगा। टाइसन का है हालत ख़राब, वैसे टाइसन को ही दे रहे से डैमेज, और यहाँ जाके डूब को भाई मार दिया गया, और यहाँ जी कुणाल ने जाके डूब को कर दिया ख़त्म। अरे भाई जब आपके पास M10 है तो उतना तो भाई रेंज उसका था ही, थोड़ा बहुत गन चेंज करके मार सकते थे, लेकिन यहाँ पर दिक्कत हो गई। और यहाँ पहला राउंड जीतने में कामयाब रही है टीम गैंगस्टर, दोनों टीम पहुँच गई है बराबरी पे। अब देखेंगे कितना मजा आने वाला। वैसे SCIU और टाइसन नेक्स्ट दोनों बंदे हैं 0 किल पर, और SCIU तो भाई कुछ कर नहीं रहा, फटाफट नॉक हो जा रहा है। पहला राउंड में भी शायद नेटवर्क प्रॉब्लम था और सेकंड में पता नहीं, सेकंड में तो मैंने देखा ही नहीं। अब यहाँ देखेंगे क्या ही गेम प्ले देखने को मिलता है। और यहाँ जाके डूब भाई साहब को कोई चाहिए, इनको कोई गन नहीं, मैं MP5 तो लिए ही हुए हैं। और यहाँ टाइसन नेक्स्ट M10 लेके भाई पहुँच रहे हैं। वैसे सजेशन है भाई, अगर बैग जो है ना ये स्पाइडर विंग्स वाला बैकपैक अगर ना ले तो भाई ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ऐसे तुम अगर कहीं छुपे भी होती है तुम्हारा लोकेशन भाई बता देगा अपोजिट टीम को। और यहाँ पे तगड़ा फाइट चल रहा है, स्प्रे चल रहा है अभी भी। यहाँ जी कुणाल पावर रेंजर एक साइड एक्समेट प्लस, ये तो बंदा एक्समेट ही लिया है, लेकिन पावर रेंजर यहाँ MP5 प्लस M1A7 लिए हुए हैं। TMG लीडर हैं Black777 राइट साइड में कर रहे हैं इंतजार। वैसे बंदे यहाँ मेरे को लगता है मैक्स लेवल कैंपिंग होने वाला है, लास्ट जोन में ही फाइट हमें देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं धीरे धीरे पावर रेंजर वैसे आगे बढ़ तो रहे थे, एकदम सो सो के एकदम आगे बढ़ रहे हैं, सामने बंदा दिख रहा।
और यही बिल्कुल बैकपैक जो है भाई, वो जो है आपका आइडेंटिटी कर लेगा रिवील। वैसे डैमेज देने का पूरा कोशिश करते हुए लेकिन दोनों बंदे को तगड़ा डैमेज, बंदा के करेक्टर लेके आ गया है। और यहाँ पर जोकर को नॉक कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जाके डूब है इन्हें रिवाइव करने के लिए। वैसे टीम कर रही होगी रस जल्दी से भाई, बैठ के यहाँ पे करना होगा रिवाइव। एस सी आयुष भी अच्छा कवर देने के लिए आ गए हैं। टाइसन नेक्स्ट वहाँ फंसे हुए हैं भाई, पीछे है बंदा, ये गोल गोल घूम रहा है। वैसे वॉल यहाँ डाल देंगे तो बढ़िया होगा, नहीं तो नॉक हो जाएंगे बिल्कुल। लगता है वॉल था नहीं, तो भाई जब वॉल था नहीं तो आपको रश करना नहीं चाहिए था, दो दो बंदे वहाँ थे। ऐसी आई फिर से ख़त्म। और यहाँ जाके डूब भाई साहब ने डैमेज तो दिया, लेकिन डैमेज कुछ ज़्यादा तगड़ा नहीं था, 5 या 6 का डैमेज था जिससे होता नहीं है कुछ। और एक बंदा को ज़रूर नॉक करेंगे और किया भी, लेकिन उसे रिवाइव दे दिया जाएगा मेरे को जहाँ तक उम्मीद है। नहीं अभी तक रिवाइव देना कोई वैसे पहुंचा तो नहीं। और यहाँ पे जोकर को भी नॉक कर दिया गया, अब सिर्फ बाकी है जाके नेक्स्ट। बहुत तगड़ा हेडशॉट हमें देखने को मिला भाई, किल कंफर्म कर ले, दो दो किल है नहीं तो कुछ भी किल नहीं मिलने वाला है। बहुत बढ़िया गेम प्ले यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे जोन भी साथ दिया नहीं है, बंदा अकेले करे भी तो क्या करे। और यहाँ 1v3 का मैच था जिसमें भाई, वैसे 3 का तो नहीं था, 2 का ही था, लेकिन बंदा हो गया रिवाइव। और यहाँ पे 1 राउंड के लीड से आगे चल रही है टीम गैंगस्टर, यहाँ तगड़ा कमबैक किया, टीम जी लीडर पहुँच गए 5 किल पे जो कि हाईएस्ट। और यहाँ पोजी टीम की बात करें आकाश सुखी, तो भाई यहाँ पर जोकर एंड जैकेट डूब, यही बंदा दोनों बंदे जो है भाई मार रहे हैं, बाकी 2 बंदे क्या कर रहे हैं। और यहाँ हमें डबल वेक्टर का स्प्रे देखने को मिलेगा, यहाँ एस सी आई उसके पास भी डबल वेक्टर, टाइसन के पास भी डबल वेक्टर, जाके डूब के पास भी डबल वेक्टर, बस टाइस एंड जोकर भाई साहब ये जो है बस M1014 लिए हुए हैं, फ्लेमिंग रेड M1040। लेकिन अब देखते हैं, वैसे मैक्स लेवल तो कैंपिंग करना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर की रेंज एंड डैमेज मैगजीन सब कुछ मतलब हटा दिया गया वैसे मैगजीन से नहीं घटाया गया, मैगजीन उतना ही था, डैमेज और रेंज जो है घटा दिया गया बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो भाई ये जो शॉर्ट रेंज है उसी में कमाल दिख सकता है डबल वेक्टर से। अपोजिट टीम की बात करें तो यहाँ जी कुणाल एक्समेट प्लस M1014 लेके बैठे हुए हैं, TMG लीडर MP5 प्लस M1887 और ब्लैक 777। तो भाई यहाँ पे किंग फिशर MP5 लिया, लेकिन पावर रेंजर को मैं क्या देख रहा हूँ, ये बंदा चुपके से पीछे पहुँच चुका है, किसी को मालूम नहीं है, लेकिन एक बंदा ने कर लिया लोकेट। अब इनके लिए दिक्कत का सामना शायद हो सकता है, और जोन भी आ रहा था, इन्हें कैसे भी निकलना ही है लेकिन गलत गलत स्काइलर जो है मिस हो चुका है, दो दो बंदे आ रहे हैं। और यहाँ पावर रेंजर की हालत ख़राब, TMG लीडर इनको दे रहे हैं कवर, वैसे एक बंदा को नॉक कर दिया गया। अरे भाई फिर डबल वेक्टर लेके क्या ही किया, और यहाँ पावर रेंजर ने दे दिया शॉट, लेकिन यहाँ एस सी आयुष भाई नॉक करने में कामयाब जरूर है, यहाँ ब्लैक 777 को किया ख़त्म। मैच पीछे है बंदा भाई, क्या ही कर रहा है, पीछे बंदा है, ध्यान नहीं दे रहा एंड यहाँ एस सी आयुष को कवर देने के लिए मेरे को लगता है निकलना चाहिए। और यहाँ पे ऐसे ही उसको कर दिया गया नॉक, भाई कर्सर के इधर उधर घुमा जा रहा है तुम्हारा। वैसे मार गिराया गया, टीम कोऑर्डिनेशन भाई बिल्कुल सही में नहीं दिखे, डबल वेक्टर लेके भी कोई फ़ायदा नहीं, अगर टीम कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहेगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। और यहाँ पे 3 राउंड आराम से जीत गए टीम गैंगस्टर, TMG लीडर पहुँच गए 6 किल। वैसे इन्हें डबल वेक्टर का जरूरत पड़ नहीं रहा, नॉर्मल गन ही है काफ़ी इनके लिए, ब्लैक 777 यहाँ ले लिया, MP5 प्लस M1887 पावर रेंजर ओनली M1887, लॉन्ग रेंज के लिए इनके पास कोई गन नहीं है। वैसे MP5 ये सभी लॉन्ग रेंज के गन नहीं है, लेकिन हाँ मीडियम में थोड़ा बहुत तो डैमेज दे ही देते हैं। और यहाँ पर 2 राउंड के लीड से आगे चल रही है टीम गैंगस्टर, काट चुकी भाई अभी बहुत पीछे रह गई, टीम कोऑर्डिनेशन की कमी साफ साफ दिख रही है। सामने वैसे पावर रेंजर का बंदा आ रहा है, अब देखते हैं पावर रेंजर क्या करेंगे, दो दो बंदे आ रहा है, बैक मारेंगे क्या करेंगे, इस बंदे के पास गन कहाँ सही, अच्छा MP5 किसी ने लगता है दे दिया फिर कर खरीद लिए होंगे। और यहाँ पावर रेंजर भाई भागते हुए
और सक्सेसफुली भाई घर के अंदर आ चुके हैं। ब्लैक 777 TMG लीडर इनको कवर देने के लिए हैं, लेकिन बंदे को अभी मालूम नहीं, अगर रश करेंगे तो भाई फिर इनका नॉक होना बनता है। एंड SG कुणाल तो भाई यहाँ ब्लैक 777 को कवर देने के लिए चुपचाप बैठे हुए ही हैं। जोकर की बात करें तो भाई जोकर LSAP NSC आयुष ये फील्ड से डबल वेक्टर लेके भाई बंदा बैठा हुआ है, जाके भूडू भाई साहब यहाँ पे डजर टिकल से मारने की कोशिश, लेकिन भाई बंदा दिख ही नहीं रहा कनेक्ट कहाँ से होगा। और यहाँ टाइसन नेक्स्ट की बात करें तो भाई एक किल पे पहुँचे हुए हैं टाइसन नेक्स्ट डबल वेक्टर, और यहाँ पर हेड तो कनेक्ट हुआ, लेकिन भाई ये है वेक्टर ज़्यादा लॉन्ग रेंज नहीं संभाल सकता, हील कर लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वैसे एक बंदा को तो भाई नॉक करने में कामयाब रहे हैं, बिल्कुल पावर रेंजर को कर दिया है ख़त्म। अब यहाँ SG कुणाल ब्लैक 777 लेफ्ट साइड बैठे हैं, अब इन्हें निकलना चाहिए। यहाँ ब्लैक 777 को कर जाएगा नॉक, यहाँ SG कुणाल उन्हें कवर देने के लिए थे, लेकिन टाइम पर भाई पहुँचे नहीं। यहाँ हल्का सा इनका सावधानी हती दुर्घटना घट गई, और यहाँ पर सामने बंदा तो वॉल फोड़ा गया। वैसे डबल वेक्टर से भाई लॉन्ग रेंज में फाइट ना ही लो तो ज़्यादा बढ़िया आएगा। यहाँ पे टू भी, और यहाँ पे TMG लीडर को कर दिया गया नॉक, और इसे भाई ख़त्म भी करेंगे पूरा का पूरा जो है यहाँ पर गजब का। यहाँ पर टीम गैंग अकात्सुकी की तरफ से वापसी, फिर भी अभी एक राउंड के लीड से चल रही है टीम गैंगस्टर, इसको कहते हैं भाई टीम कोऑर्डिनेशन। अभी सारे बंदे जो है भाई एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में थे, और भाई थोड़ा बढ़िया खेले भी। यहाँ पे जोकर पहुँच गए हैं 5 किल पे, लेकिन TMG लीडर से अभी है 1 किल से पीछे। अब देखते हैं ये वाला राउंड कौन सा जीतता है, यहाँ पे या तो एक लीड मिलेगी और टीम गैंगस्टर को, या फिर बराबरी पे पहुँचेंगे टीम अकात्सुकी। अब देखना रहता है क्या ही होता है। और यहाँ पर जोकर SC आयुष तो भाई अभी भी डबल वेक्टर लेके बैठे हैं। सामने से देख लेते हैं मैं TMG लीडर तो राइट साइड एंड SG कुणाल, सारे बंदे भाई कवर में, और यहाँ डबल वेक्टर का भी जो भी है लॉन्ग रेंज से ही नॉक निकाला जा सकता है। वैसे जाके डूब इधर है क्या, हाँ जाके डूब एंड टाइसन के सामने तो भाई एक बंदा स्पॉट हुआ है, लेकिन ये लोग को अभी तक मालूम शायद नहीं चला है। ओ भाई साहब हल्का सा के लिए बच गया, लेकिन पीछे बंदा है यार, पीछे बंदा है। और यहाँ पर टाइसन को नॉक किया जाएगा जाके डूब को, लेकिन बहुत सही यहाँ पर जल्दी से भाई आके रिवाइव देना बनता है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी अगर अपोजिट टीम वाले बंदे आ जाए तो। जल्दी से उसे ख़त्म भी करना है, लेकिन यहाँ पर जाके डूब भाई साहब अपोजिट और भी बंदे को देख रहे हैं। और यहाँ फिर से मैंने बोला था कि भाई रिवाइव अगर मार सकते हो तो मार लो, लेकिन मौका को छोड़ दिया। और यहाँ पर SC आयुष भी हो गए हैं नॉक, और यहाँ भाई सही में गलती कर बैठी यहाँ पर टीम जोकर नेक्स्ट को पीछे बंदा। ओ भाई लेकिन इनका भाई कुछ जवाब नहीं, और यहाँ किया ट्रिपल किल और अपने टीम को जिताई, लगातार नहीं लगातार दूसरी जीत दिलाई, और पहुँच गई है टीम बराबरी पर। तगड़ा कमबैक यहाँ पर, बंदे जहाँ भी नॉक करो अगर ख़त्म करने लायक है तो भाई उसी टाइम ख़त्म कर दो, नहीं तो वही बंदा अगर रिवाइव होकर तुम्हें मारे तो भाई तुमको बहुत बुरा भी लगेगा, और मैच जो है राउंड जो है हाथ से निकल जाएगा। और यहाँ जोकर MAC 10+7 87 से कमाल करते हैं, और यहाँ सबसे टॉप पे पहुँच गए 8 किल, TMG लीडर को कर दिया पीछे। और यहाँ SC आयुष की बात करें तो ये बंदा भाई डबल वेक्टर, टाइसन नेक्स्ट भी डबल वेक्टर लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्या देख रहे हैं जोकर भाई साहब तो अच्छा, लेकिन एक वॉल ऐसे भाई तुमने कर दिया बर्बाद। अनलिमिटेड वॉल का गेम प्ले है नहीं कि कितने भी वॉल डालो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सोच समझ के वॉल डालना पड़ता है। सामने जो है बंदा इंतजार करते हुए, और यहाँ राइट साइड से बिल्कुल, और यहाँ पावर रेंजर कर रहे हैं रस धीरे धीरे, पावर रेंजर SG कुणाल पहुँच रहे हैं नॉक निकालने में, अगर ज़रूर कामयाब होंगे अगर बंदा इन्हें स्पॉट नहीं करे तो। TMG लीडर इधर ध्यान भटकाए हुए हैं, इनके साथ साथ में ब्लैक 777 भी है, दोनों यहां से भाई निकल रहे हैं, और पीछे से मेरे को लगता है कि नॉक करने का पूरा कोशिश रहेगा। डैमेज तो दिया गया लेकिन MAC 10 है भाई, अरे वॉल डालने की है ज़रूरत,
कोशिश तगड़ा है। और यहाँ पे जाके डू भाई साहब को यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे फाइट होने वाला है बहुत तगड़ा। ओ भाई बहुत तगड़ा हेडशॉट मारा, लेकिन नॉक करने में भाई कामयाब नहीं हो पाए। क्या ही तगड़ा है मार रहा है बंदा भाई, लेकिन पीछे से यहाँ पे ब्लैक 777 एंड पावर रेंजर की बात करें तो भाई ये पीछे से दे सकते हैं कवर और पावर रेंजर के यहाँ पे नॉक कर दिया गया, लेकिन एजी कुणाल देंगे रिवाइव। स्काइलर जो है गलत लगा, लेकिन रिवाइव देने में कामयाब यहाँ पे नहीं। एजी कुणाल अब ब्लैक 777 को नॉक करने की कोशिश, अब एजी कुणाल की देखते हैं, एजी कुणाल को भी कर दिया गया नॉक। अब सिर्फ बाकी हैं टीएमजी लीडर, जो का हालत अभी भी है ख़राब। और यहाँ इस बार हुआ है एससीआई, उसका ट्रिपल किल और चार राउंड जीत गई है टीम अकात्सुकी। बहुत तगड़ा गेम प्लेयर टीम अकात्सुकी की तरफ से। अब यहाँ अपोजिट टीम की बात करें तो शायद हमें इनके पास से डबल वेक्टर देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी तक कोई बंदा वैसे लिया नहीं है। नहीं, एक बंदा तो ज़रूर उठा लिया, और यहाँ ब्लैक 777 ने उठा लिया डबल वेक्टर। पावर रेंजर्स की बात करें तो ये बंदा भाई है मोनेटर 7। बहुत तगड़ा फाइट देखने को मिला, भले ही थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है हमको फ़ाइट के लिए, लेकिन भाई फाइट देखने में मज़ा आ रहा। अब यहाँ देखते हैं इनकी टीम प्लेसमेंट क्या ही होती है। और यहाँ पर तीन बंदे तो भाई रश कर रहे हैं सीमेंटन में, लेकिन जिसमें एक ही दो बंदे यहाँ पर पावर रेंजर एनर्जी कुणाल सीमेंटेड को कैप्चर किए हैं। टीएमजी लीडर की बात करें तो ये राइट साइड देख रहे हैं साथ में इनको कवर देने के लिए। ब्लैक 777 है लेकिन बहुत दूर है इतना से भाई, बिल्कुल एक शॉट नहीं लगने वाली लेकिन यहाँ ब्लैक 777 भाई पोजीशन ही कर दिया चेंज। अब ये जो है बंदा पहुँच गया है एजी कुणाल के पास। एंड पावर रेंजर्स की बात करें तो ये बंदा भाई प्लेसमेंट चेंज करके लेफ्ट साइड से भाई रश कर रहा है आगे, और यहाँ बंदा बिल्कुल नहीं है ऐसा देखने से यही लग रहा है। और यहाँ पावर रेंजर उसका पूरा भरपूर फायदा उठाते हुए, अगर इस साइड कोई बंदा का ध्यान नहीं दे रहा होगा तो फिर तो भाई टीम के नॉक होने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। रोटेशन लेके भाई जाते हुए, और यहाँ पे टीएमजी लीडर ब्लैक 777 ध्यान भटकाने की कोशिश में रहेंगे। एनर्जी कुणाल ऊपर से दे रहे हैं, और एक बंदा को शायद नॉक करने में कामयाब रहेंगे लेकिन बच गए। और यहाँ पे बात करें तो बिल्कुल पावर रेंजर के ताक में थे यहाँ पे जोकर, और हुआ फर्स्ट ब्लड। मैच हो गई ये 3v4, अब देखते हैं क्या ही मज़ा आता है। एंड टाइसन नेक्स्ट एंड डूब जाके डूमर, ये दोनों ऊपर है तो चलो ये तो काम बढ़िया है। अगर कोई बंदा नॉक भी हो जाएगा तो रिवाइव हो जाएगा। और यहाँ टाइसन नेक्स्ट मल्टी विंडो से डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं, शायद टीएमजी लीडर है वहाँ पर बिल्कुल। और यहाँ पे निकल रहा है, अभी नॉक करने का पूरा चांसेज है, लेकिन अभी देखो अपोजिट टीम की तरफ से एक शॉट भी नहीं आया, जो कि ये भाई गलत प्लेसमेंट। अब भाई बंदा कॉर में आ गया है तो अब डैमेज देने का कोई फ़ायदा नहीं। एनर्जी कुणाल तो फर्स्ट गेंद को आगे से ही निकलना पड़ेगा, और यहाँ एजी कुणाल को कर दिया गया। और बहुत तगड़ा गेम यहाँ पर। टीएमजी लीडर की बात करें तो भाई ये बंदा आगे रश करना चाह रहे हैं ब्लैक 777 डबल वेक्टर लेके, और अगर सारे बंदे वो भाई अब इन्हें कौन बचाएगा। टीएमजी लीडर वैसे नॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डबल वेक्टर लेके आगे बढ़ने की पूरा फिराक में, और यहाँ जोकर को कर दिया है नॉक। और यहाँ एक और बंदा को करेंगे नॉक, नहीं बच गए, बाल बाल बच गए। अरे उनके पास भी तो भाई डबल वेक्टर है, ये बंदा लगता है भूल गया। और यहाँ पर टीम अकात्सुकी बहुत तगड़ा डोमिनेट करते हुए पाँच राउंड जीत चुकी है। दो राउंड के लिए से आगे चल रही है, पहले चल रही थी 1-3 पे, लग रहा था कि यहाँ पर टीम गैंगस्टर का बोलबाला है, लेकिन यहाँ आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। बहुत तगड़ा कमबैक किया है यहाँ पर टीम अकात्सुकी ने। अब अपोजिट टीम की बात करें तो अब टीएमजी लीडर ले लिए हैं डबल वेक्टर एंड ब्लैक 777 के पास लगता है पैसे नहीं थे इसे खरीदने के लिए, और वो ले लिए हैं मोनेटर 7-1 पंचमैन वाली। और यहाँ पावर रेंजर्स की बात करें तो ये बंदा ऊपर चढ़ गया कवर देने के लिए, वैसे जाके डूब राइट साइड से बंदा आ रहा है। जी कुणाल एंड ब्लैक 777 इधर है और उनको कवर देने के लिए ऊपर से पावर रेंजर भी हैं, लेकिन टीएमजी लीडर यहाँ अकेले डबल वेक्टर ले के बैठे हुए हैं। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जोकर भी कर रहे हैं इंतज़ार जोकर के साथ। यहाँ एस सी आयुष भी डबल वेक्टर लेके बैठे हैं, लेकिन भाई जस्ट तुम्हारे सामने बंदा है। ओ भाई साहब, और यहाँ पे एस सी आयुष को नॉक कर दिया जाएगा ऊपर से, बिल्कुल कवर मिला नहीं।
अब यहाँ पर जो है लगता है टीम गैंगस्टर का बोलबाला होने वाला है, क्योंकि मैच हो गई है 2-3। आगे पीछे हर जगह से भाई, पीछे से भी बंदा है, जाए तो जाए जोकर कहाँ। और यहाँ पे एक बंदा को नॉक करने के चक्कर में भाई पीछे यहाँ पर टाइसन नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, तो एक बंदा को नॉक करने में जरूर कामयाब हुए हैं। मैच हो गई है 1v2 का, अब देखते हैं क्या ही होता है, या तो 1v2 निकाल पाते हैं या फिर नहीं। भाई लोग जो भी चैनल पर नहीं हो फटाफट चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करो। यहाँ पर 1v2 क्लच का हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं टाइसन क्या करेंगे, लेकिन यहाँ मेरे को बहुत ज़्यादा ही कम चांस लग रहा है। और यहाँ लेफ्ट साइड से बंदा, और यहाँ पर टाइसन नेक्स्ट का हालत ख़राब हो चुका है। वैसे यहाँ पे वुकोंग बनने के इनको ज़रूरत, और यहाँ पे एक बंदा को नॉक करने कामयाब जरूर रहे, और यहाँ पे जल्दी से हील कर ले वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब TMG लीडर यहाँ डबल वेक्टर लेके पहुँच गए हैं, पीछे से पता नहीं यहाँ पर टाइसन उन्हें स्पॉट किए हैं फिर नहीं, लेकिन स्पॉट ऐसा कर दिए हैं। और यहाँ पर टाइसन को जरूर मार गिराया जाएगा, वैसे किल उन्हें कर लेना चाहिए था कंफर्म। किल कंफर्म करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर बंदे को भाई तुम नहीं मारोगे तो वो अपनी टीम को तुम्हारी लोकेशन देते रहेगा, और सामने वाला बंदा रेडी रहेगा कि कहाँ से तुम आने वाले हो। तो ये भाई गलती कर रहे हैं यहाँ पर टीम अकात्सुकी, बार बार गलती कर रही है। और उसका भाई अभी एक राउंड यहाँ पर हार जाना चुकाना पड़ा, एक राउंड हार चुकी है जो कि जीत सकती थी आराम से। दोनों बंदों के पास डबल वेक्टर था, लेकिन सामने वाले बंदे को मालूम था कि कहाँ से जाने वाले हैं टाइसन नेक्स्ट, क्योंकि भाई बंदे को ख़त्म ही नहीं किया, ख़त्म वैसे कर लेना चाहिए था। यहाँ पे जोकर के 11 किल हो चुका है, मोनेटर 7 लेकर रश कर रहे हैं, लेकिन अकेले रश करना खतरों से खाली नहीं। और SCI यूज़ क्या कर रही है, ये कर रहे हैं इंतजार ताकि 5-5 हो जाए, और फिर उसके बाद टीम अकात्सुकी को यहाँ से हार का सामना करना पड़े। कैसे बिल्कुल यहाँ पर नॉक भी कर देगा और ख़त्म भी मैच हो गया 3v4। टीम का भाई ऐसे ही मनोबल कम हो जाता है, और यहाँ पे जोकर ने उसके साथ साथ जाके डूब भी हैं। तो चलो ये तो आ गए हैं, तो चलो कोई तो कवर इन्हें देगा। एक बंदा लेफ्ट साइड के सीढ़ी पे भाई बैठा हुआ है चुपचाप, कोई किसी ने स्पॉट नहीं किया। और यहाँ टाइसन नेक्स्ट, भाई बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे तुम्हें डजर टिगल से मारना चाहिए था, लेकिन डबल वेक्टर चलाया बंदा को मालूम ही लोकेशन चला गया, और साथ में नॉक भी नहीं कर पाया, जाके डूब को भाई नॉक कर दिया गया है। और इन्हें पता नहीं कोई रिवाइव देने आएगा कि नहीं, बिल्कुल रिवाइव देने आएगा, क्योंकि सामने वाला इधर बंदा जो है नॉक हो गया है। अरे भाई जाओ। बिल्कुल कमी यहाँ पर दिख रही है अब से, बाकी है जोकर नेक्स्ट, अब देखते हैं क्या ही होती है मैच। पीछे वैसे बंदा था, जल्दी से रिवाइव दे दे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, लेकिन अगर बंदे का स्काइलर चार्ज हो गया होगा तो अरे भाई पीछे घूमना था लेकिन भागने के चक्कर में भाई हो गया दिक्कत। और यहाँ पर सही टीम कोऑर्डिनेशन यहाँ हमें टीम गैंगस्टर की तरफ से देखने को मिल रही है। यहाँ राउंड हार रही थी, लेकिन बहुत तगड़ा गेमबैक किया यहाँ पर टीम गैंगस्टर ने। TMG लीडर पहुँच गया 12 किल पर, जोकर को दे रहे हैं टक्कर, मतलब दोनों बंदे के बीच तगड़ा फाइट हो रहा है किल के लिए। SCI उसे 7 किल पर, लेकिन इस राउंड में भाई सो गए थे। और यहाँ पर अभी पता नहीं अभी सो नींद से जागे हैं कि नहीं, मेरे को लग रहा है अभी भी नींद में है। और यहाँ पर नींद है तो भाई ये राउंड भी फिर हारेगी अकात्सुकी, ऐसा देखने से बिल्कुल लग रहा है, और शायद होगा भी। जाके डूब यहाँ पे डबल वेक्टर को छोड़ दिए यहाँ पे फमास और मैकटेन का जलवा दिखाने की करेंगे कोशिश। टाइसन नेक्स्ट यहाँ, लेकिन डबल वेक्टर लेके आगे बढ़ रहे हैं, इनके पास दोबारा से पैसा आ गया था वैसे, लेकिन डबल वेक्टर लेने का कोई जो है शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट रेंज में ही फ़ायदा है, हल्का सा भी मीडियम रेंज हुआ तो वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। SCI सभी भी खड़े हैं, एक बंदा जरूर आएगा यहाँ पर आकर नॉक लेकर किल लेने। जी कुणाल TMG लीडर 12 किल डबल वेक्टर लेके ये भी आगे बढ़ रहे हैं। ब्लैक 777 की बात करें तो भाई बहुत तगड़ा कवर एंड पावर रेंजर TMG लीडर को कवर देने में, और साथ में यहीं पे भी है SG कुणाल। तो अब देखते हैं क्या ही होने वाला है। जोकर वैसे अपने ही घर में कर रहे हैं इंतजार, SCI अभी तक नहीं आया है, ये बंदा बाथरूम गया है या फिर नेटवर्क ग्लिच है क्या है। अगर नेटवर्क ग्लिच होता तो ऑफलाइन दिखाता शो होता, लेकिन शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ एक बंदा आराम से अभी एलिमिनेट भी हो जाएगा और हो जाएगा ख़त्म। मैच हो गई 3v4। टीम जो है सामने वाले टीम को भाई मिल जाता है कॉन्फिडेंस कि चलो अब 3v4 का ही मैच है, अब निकाल लेंगे कैसे भी, और वो कॉन्फिडेंस बहुत काम आता है।
और वो यहाँ पे लगता है कि वही टीम का कॉन्फिडेंस काम आने वाला है। वैसे बंदा तो वहाँ पे आ चुका है लेकिन जोकर है वन टैप मारने की फिराक में, लेकिन बहुत तगड़ा वन टैप, जल्दी से भाई ख़त्म कर दो नहीं तो फिर मैच हाथ से निकल जाएगा। चलो उन्हें वैसे बचाने को जाएगा नहीं, लेकिन यहाँ जोकर ने गलत भाई गलत वॉल डाल दिया, इधर से डैमेज पड़ रहा था तो इधर वॉल डालना चाहिए था। और यहाँ पावर रेंजर को भाई रिवाइव कर दिया, वाओ अब तो हो गई है 2v4 का मैच, जाके डूब फिर भाई नॉक करके किल नहीं कंफर्म कर जा फिर ये गलत बात। और यहाँ पे जाके डूब को देखते हैं। वैसे अब यहाँ मैक 10 चलाने की टाइम आ गई है, टाइसन नेक्स्ट डबल वेक्टर लेके रेडी तो हैं, फिर खुले में नहीं जाना है, खुले में बिल्कुल भी नहीं जाना है। खुले में बिल्कुल जाना नहीं था, यहाँ पे जाके डूब देखते हैं कुछ कमाल कर पाते हैं या फिर नहीं। और यहाँ पे टाइसन नेक्स्ट को भाई आना चाहिए था लेकिन अब आया नहीं, एक बंदे को तो वैसे नॉक कर दिया गया। अब टाइसन की बारी, ये देखते हैं ओ भाई, और टाइसन नेक्स्ट का ट्रिपल किल। यहाँ अगर ये बंदा भी नहीं चला होता तो यहाँ अकात्सुकी भाई, लेकिन बहुत तगड़ा फाइट देखने को मिला और यहाँ पे एक राउंड के लीड से आ गई है टीम अकात्सुकी। अब ये वाला राउंड भाई हमें डिसाइड करेगा कि आखिरी राउंड हमें देखने को मिलेगा या फिर नहीं। अभी भी देखते हैं ऐसी है उस, अभी भी भाई ये बंदा सो रहा है, तो फिर अब तो एक राउंड निकल गया लेकिन बार बार ऐसे राउंड निकल सकता नहीं है। और यहाँ पर अब देखेंगे क्या ही होता है। यहाँ पर जाके डूब तो भाई ओम चला ले लिया है, ओम के साथ साथ में मैक 10। अभी भी 3v4 ही करना है टीम अकात्सुकी को, देखते हैं इस बार भी 3v4 कर निकाल पाती है कि नहीं। जी कुणाल यहाँ पहुँच गए M10 14+ एक्समेट लेकर। NTMG लीडर की बात करें तो वो भाई ये बंदा तो डायरेक्ट इनके घर में ही पहुंचने वाला है, और यहाँ एक बंदा को जरूर नॉक कर दिया और ख़त्म भी करेगा। वैसे वॉल डाल देना चाहिए था लेकिन अगर स्काइलर फोड़ दिया तो TMG लीडर अब बचने वाले नहीं है, लेकिन बिल्कुल बच गए। क्या ही बंदा मारे भाई। क्या ही बंदे मारे मेरे को समझ में नहीं आया। और यहाँ पे SCI उसको नॉक कर दिया गया, या तो जोन सही से नहीं दे मारा गया उन्हें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वैसे जल्दी, अरे कौन में जाके वैसे हिल करना था। यहाँ पे बहुत तगड़ा यहाँ जोकर की तरफ से गेम प्ले, लेकिन यहाँ बार बार जो 3v4 हो रहा है वो भाई खटक रहा है यहाँ पे बंदों को। और यहाँ आखिरी राउंड हमें देखने को मिलेगा, और यहाँ पे भी SCI यूज़ नहीं होगा तो भाई यहाँ अकात्सुकी जीता मैच हार रही है। अब इसका क्या कह सकते हैं, लेकिन अब जो भी है अब इनकी टीम इन्हें समझना चाहिए। जोकर नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे जी कुणाल TMG लीडर यहाँ पहुँच गया 15 किल पे। बंदा तगड़ा मारा था जोकर, लेकिन भाई किल कंफर्म करने में कामयाब नहीं, और ये बार बार गलती कर रही है टीम अकात्सुकी। किल अगर कंफर्म नहीं करेगी तो भाई हारना कंफर्म है, क्योंकि बंदे सामने वाले बंदे कोई भी किल को छोड़ नहीं रहे, सारे बंदे भाई रिवाइव कर दे रहे हैं। तो फिर से यहाँ पे SCI उस नहीं है, मैच है 3v4, अब देखते हैं निकाल पाते हैं या फिर नहीं। भाई लोग जो भी चैनल पर नहीं है फटाफट चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करो। यहाँ पे जोकर्स के पास सिर्फ एमोनेटर 7 है, कम से कम भाई ऑफलाइन है, अगर नहीं खेल पा रहा तो कम से कम कुछ दे देना चाहिए था। कम से कम सामने वाले अब बंदों के पास अगर कुछ होता भी अच्छा बढ़िया गन तो कोई दिक्कत नहीं था। और यहाँ हमें पहला जो है गेम है जो हमें आधे घंटे का देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भाई मैक्स लेवल कैंपिंग प्लस लास्ट जोन तगड़ी फाइट हो रही है। तो भाई लास्ट जोन में वैसे मज़ा तो आ जा रहा। यहाँ टाइसन नेक्स्ट की बात करें तो ये भी डबल वेक्टर लेके कर रहे हैं इंतजार। और यहाँ पुजीट की बात करें तो ये तो SG कुणाल एक्समेट प्लस M10 14 लेके बैठे हुए हैं। TMG लीडर भी यहाँ पर डबल वेक्टर लेके बैठे हुए हैं, सामने बंदे देख रहे हैं। ये बंदा भाई बैठ के ही निकल गया, लेकिन यहाँ पर जाके डूब ने लोकेशन कर दिया है रिवील। और यहाँ SCI उस पहुँच गए हैं बॉट बनकर, बहुत टाइम बाद ऑफलाइन का मार्क शो हो रहा है यहाँ पे SCI यूज़ का। बस एक काम ये कर सकता है, अगर बंदा एक शॉट का बच की हो 8-9 डैमेज के तो उसको किल कंफर्म हो नॉक कर सकते हैं ज़रूर।
और यहाँ SCI उसको नॉक कर दिया गया और ख़त्म भी किया जाएगा। ब्लैक 777 है, यहाँ पे जोकर हैं लेकिन मजबूर है, वो कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि इनके पास लॉन्ग रेंज है ही नहीं। एंड जाके डूब की बात करें तो इनके पास MP5 है, ये भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं संभाल सकते हैं। टाइसन एक धीरे धीरे नीचे से बढ़ तो रहे हैं भाई, लेकिन तुम्हें ध्यान देना होगा कि सामने वाली टीम भी। एंड जोकर पे हुआ है अटैक, वैसे एक बंदा को नॉक करने में ज़रूर कामयाब रहे हैं और ख़त्म कर दिया पावर रेंजर को, लेकिन यहाँ जोकर को कर दिया गया है नॉक। अब जो है मैच लगता है कि पावर रेंजर के ही हाथ में, मतलब टीम गैंगस्टर, क्योंकि जोकर भाई बहुत तगड़ा खेल रहा था अपनी टीम से। एंड यहाँ पे जाके डूब अरे भाई इस टाइम वॉल डालने की नहीं, इस टाइम फाइट करने की है, लेकिन यहाँ पे जाके डूब से बहुत गलत डिसीजन। और यहाँ पे टीम गैंगस्टर ने ले लिया है बुइया। तो भाई लोग जो भी चैनल पर नहीं हुए फटाफट चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं कल नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।